नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। गढ़वाल कुमाऊं विकास समिति का कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम 14 अगस्त को शाम को रामनगर में होगा संपन्न। गढ़वाल कुमाऊं विकास समिति के कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम 14 अगस्त 2023 को शाम को 3 बजे नगर पालिका ऑडिटोरियम रामनगर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आईजी कुमाऊं आईपीएस डॉक्टर नीलेश आनंद भरने हमारे बीच पहुंचेंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में रिटायर्ड कर्नल आलोक पांडे, रिटायर्ड कर्नल दिनेश बिष्ट व एसपी सिटी क्राइम और यातायात नैनीताल जगदीश चंद्र पीपीएस उपस्थित रहेंगे। गढ़वाल कुमाऊं विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पिछले 8 सालों से लगातार समिति शहीदों को सम्मानित करने का कार्य कर रही है। इस बार भी 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध तक जिन लोगों ने अपना लहू बहाकर इस देश की अखंडता और एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। उनके साथ साथ जिन्होंने आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया एवं पाकिस्तान को हर लड़ाई में शिकस्त देने का काम किया तथा उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सेवा पदक से अलंकृत किया, ऐसे वीर सपूतों को भी अपने बीच पाकर उन्हें भी सम्मान करने का कार्य समिति करेगी, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रगीत गानों पर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी मौजूद रहेंगे। रावत ने सबसे अनुरोध किया कि आप ही समय पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने जरूर पहुंचें। तथा उन्होंने उन लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने समिति को मदद की। वह अन्य लोगों से भी अपील की है इस उत्कृष्ट कार्य के लिए अपना स्वेच्छा से आर्थिक सहयोग भी प्रदान करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गढ़वाल कुमाऊं विकास समिति के सचिव गौरव रावत, कोषाध्यक्ष विजेंद्र सिंह, कार्यालय सचिव तरुण जोशी, सदस्य रचना कंडारी व विकास बिष्ट मौजूद रहे। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। रामनगर से न्यू कॉबेट समाचार के लिए रोशनी पांडेय की यह विशेष रिपोर्ट। द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, थोड़ा बताइए। देखिए, गढ़वाल कुमाऊं विकास समिति जो राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड है, उसके द्वारा प्रतिवर्ष पिछले 8 सालों से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के तहत 12 जो शहीद परिवार हैं भारत पाकिस्तान लड़ाई से लेकर कारगिल युद्ध तक, उन परिवारों को सम्मानित किया जाता है। उसके साथ ही जिन्होंने भारत पाकिस्तान की लड़ाई में इस देश की सुरक्षा के लिए अपने जान की परवाह न करके दुश्मनों को जो है कि मौत के घाट उतारने का काम किया है, ऐसे 5 सेनापतकों को हम जो जीवित हैं आज भी उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। और इसके साथ रामनगर, काशीपुर, हल्द्वानी तक के बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें सिर्फ जो है वीर शहीदों को श्रद्धांजलि व राष्ट्रीय गीत गानों से ओत प्रोत होकर के जो है इस कार्यक्रम का हमेशा आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी रामनगर नगर पालिका ऑडिटोरियम हॉल में शाम को 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें कुमाऊं के आईजी आईपीएस डॉक्टर नीलेश आनंद भरने जी मुख्य अतिथि के रूप में हमने उनको आमंत्रित किया है। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर आदरणीय दीपक रावत जी को भी आमंत्रित किया है, लेकिन उन्होंने समय अभाव के कारण न आने के लिए कहा कि हो सकता है टाइम मिले तो मैं आऊँगा। लेकिन निश्चित रूप से उसके साथ ही हमारे कई जो यहाँ पर एसपी सिटी हैं, जो अपने जो है भ्रष्टाचार, यातायात और उसके एसपी सिटी हैं आदरणीय चंद्रा जी, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। और साथ में कर्नल आलोक पांडे जी हल्द्वानी से जो रिटायर्ड है वो विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं, और कर्नल दिनेश सिंह विशेष अतिथि के रूप में हैं। और इसमें प्रेस करने की जो आज बात है कि जो हमारी पूर्व सैनिक हैं, बुद्धिजीवी जनता, रामनगर क्षेत्र के जो नज़दीक के लोग हैं, यहाँ गढ़वाल कुमाऊं तमाम जो अल्मोड़ा का हिस्सा या पौड़ी का हिस्सा जुड़ा रहता है, वे लोग इसमें भागीदारी करें और ज़रूर एक शाम शहीदों के नाम जो कार्यक्रम है इसको देखें और इसको देशभक्ति के लिए आगे जो हमारी पीढ़ी है उनमें देश के प्रति एकता, अखंडता रखने का जज्बा हो
और भाईचारे से मिलकर के इस देश की तरक्की में अपनी भागीदारी करें। तो इसी कार्यक्रम को गढ़वाल कुमाऊं विकास समिति 14 तारीख को आयोजित करिए, जिसमें आप सब लोग सादर आमंत्रित।